नमस्कार दोस्तों, आज हम कुछ ऐसे बिंदु पर आपसे चर्चा करने जा रहे हैं ताकि आप अगर पीठासीन पदाधिकारी बनते हैं तो चुनाव के दौरान आपको यह टिप्स, चुनावी टिप्स आपको आसानी कराएगा। तो आइए जानते हैं क्या सब टिप्स है। तो दोस्तों, सबसे पहले चुनौती या चैलेंज वोट या अभ्याचेदी मत पत्र, निविदत मत पत्र या टेंडर वोट, प्रॉक्सी मतदाता भी आ सकता है आपके पास, पोस्ट बैलेट या डाक मत पत्र भी आपके पास होगा। PELER MR क्या है, आइए सबसे पहले हम पहला बिंदु जो है चुनौती या चैलेंज वोट या अभ्याचेदी मत पर डिस्कस करते हैं। वोटर सबसे पहले P1 के पास आता है, अगर एजेंट कहता है कि यह मतदाता सही नहीं है तो ऐसी स्थिति में अगर आप पीठासीन पदाधिकारी रहते हैं तो आपको 2 रुपया जमा कराया जाता है, उससे आप एजेंट से 2 रुपया ले लेंगे। उसके बाद वोटर का जांच की जाएगी विशेष दस्तावेज मंगाकर, अगर वह वोटर गलत पाया जाता है तो ऐसी स्थिति में 2 रुपया आपको एजेंट को वापस कर देना है और मतदाता को पुलिस के हवाले किया जाता है। अगर चुनौती सही नहीं है, मतलब वह वोटर सही है, तो ऐसी परिस्थिति में एजेंट की 2 रुपया जब्त की जाती है और वोटर को मतदान किया कराना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में हम इसे अभ्याक्षेपित मत कहते हैं या चुनौती या चैलेंज वोट कहते हैं, और आपको बैलेट के द्वारा वोटर को मत दिया जाता है और उसे मतदान कराया जाता है। दूसरा पॉइंट दोस्तों आता है निविदत मत पत्र या टेंडर वोट। ये क्या है, यह वोट वह वोट होता है जिसमें कोई मतदाता अपना नाम का वोट कर देता है और उसी नाम का कोई दूसरा मतदाता है, लेकिन चिन्हित पर्ची से यह पता चलता है कि ये वाला व्यक्ति मतदान करके चला गया है। तो ऐसी स्थिति में पीठासीन पदाधिकारी द्वारा, एजेंट द्वारा पता चलता है कि ये वाला व्यक्ति ही सही है, अब इसके लिए दोबारा व्यक्ति के लिए निविदत या टेंडर वोट का प्रयोग किया जाता है। हर मतदाता के लिए मतदान दल पर मतदान कर्मी को कुछ बैलेट पेपर पिंक कलर का 20 मत पत्र दिए जाते हैं। अब उस मतदाता को उस मत पत्र से पहला वाला निकालकर वोटिंग कराया जाता है और एरो मार्क द्वारा तीर उनको दी जाती है और बूथ पर जाकर अपने मनपसंद कैंडिडेट का वो छाप पर मोहर लगा सकता है। ऐसी स्थिति को ही हम लोग टेंडर वोट कहते हैं। अब आइए प्रॉक्सी मतदाता क्या है। हो सकता है कि आपके बूथ पर प्रॉक्सी मतदाता है, तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे। प्रॉक्सी वोटर वह वोटर होता है जिसमें कोई सेना के जवान या अधिकारी किसी व्यक्ति को उस मतदान केंद्र का हो उसे प्रॉक्सी वोटर के लिए ऑथराइज करता है और ऐसी स्थिति में वह मतदाता मतदान करने आता है, तब चिन्हित पर्चे में पहले से ही रेड कलर का रहता है और उसका निशान लगा हुआ रहता है। ऐसी स्थिति में वह वोटर मतदान करने आता है, तब चिन्हित पर्ची पर उनका एरो, उसके बाद वोटर को P2 के पास भेजा जाता है और मतदाता रजिस्टर में सभी एंट्री किया जाता है। उसके बाद मार्क कॉलम में प्रॉक्सी वोटर लिखा जाता है। उसके बाद क्या होता है, जो और समान वोटर के लिए अमित स्याही तर्जनी पर लगता है, जैसा पता ही है, लेकिन अमित स्याही का प्रयोग उस टेंडर प्रॉक्सी वोटर के लिए आपको ये जो उंगली है आप देख रहे हैं मध्यमा उंगली, उसमें स्याही का निशान लगाना होता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम प्रॉक्सी मतदाता का सॉल्व कर सकते हैं वोटिंग करा के। अब आइए चौथा बिंदु आता है, पोस्ट बैलेट या डाक मतपत्र। तो दोस्तों, ये क्या होता है, पोस्ट बैलेट या डाक मतपत्र, यह मतपत्र शासकीय कर्मचारियों के लिए होता है। ऐसे वोटर जो चुनाव में उनका ड्यूटी रहता है और पहले ट्रेनिंग के दौरान उनको 12 फॉर्म भराया जाता है, इनका पता चाहे ऑफिस का हो या घर का हो उस पर बैलेट पेपर मतपत्र उनको भेजा जाता है। अब ये लास्ट में PELER, ये क्या है। दोस्तों, कुछ ये एरर हैं, पीई प्रेस एरर होता है। तो दोस्तों, प्रेस एरर अगर बैलेट यूनिट बटन पर दबा रह गया तो उसको चेक करके सही किया जा सकता है।
अब यही होता है आपको एरर बीयू पर भी कर दिया जाता है, एलई लिंक एरर होता है, एमआर मेमोरी एरर मशीन को बदलना होता है। अगर आपके मशीन पर एमआर आ जाता लिखा हुआ तो आपको मशीन को बदलना होता है। तो दोस्तों मैं समझता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको ये चुनावी टिप्स आपको मददगार साबित होगा। दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को शेयर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर से ज़रूर करें।